नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए यहाँ पर अरबी ग्रुप डी का परीक्षा प्लानर, और इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, किसको प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, क्वेश्चन को कैसे लगाना है, कम से कम टाइम में सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर का पार्ट नंबर वन है, इसमें आप लोग मैं बता दू किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे आपको दिया गया जनरल साइंस, जनरल साइंस में टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग पर आपको फोकस ज्यादा करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस पर फोकस करना है, फिर आप लोग को मैथ को करना है। जनरल अवेयरनेस केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी मोस्टली जो करंट अफेयर से ज्यादा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैथ। देखिए सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपके सामने देखिए आपको दिया गया है पुलक और मेंजा के पास, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या अनुपात है 5:9 है, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या अनुपात है 7:18 था। तो पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना होगा, ये आप सभी को निकालना है। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए आपको दिया गया पुलक और मेंजा, पी फॉर में लिखा है पुलक, एम फॉर लिखा मेंजा, इनके बीच का रेशियो रखा है 5:9 दे रखा है। फिर हमें दिया गया जयराम और मेंजा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जयराम और मेंजा इनके बीच का रेशियो रखा है 7:18 दिया गया है। अब आपको बताना है यहाँ पर पुलक और जयराम का, दोस्तों आपको पुलक और जयराम इनके पास उपलब्ध कंचों का रेशियो निकालना है, तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर मेंजा की वैल्यू कितनी 18 है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, तो इसको बराबर करना। सबसे पहला काम क्या आपको, अगर ये 18 है तो इसको 18 करने के लिए पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर होगा पुलक, मेंजा और आपको दिया गया यहाँ पर जयराम, इनके बीच का रेशियो आ जाएगा हमारा दोस्तों 10, पुलक है दोस्तों 10, मेंजा है दोस्तों हमारे यहाँ पर 18 और ये आपको दिया गया 7 है। तो आपका आंसर कितना है, तो आपको निकालना है पुलक और जयराम का, तो पुलक की वैल्यू 10, जयराम की वैल्यू 7, हमारा राइट आंसर होगा 10:7। तो दोस्तों जिनका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको दिया गया एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक बिगल की लंबाई 8 मीटर है, तो सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आप सभी को निकालना है। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक सम चतुर्भुज, ठीक है ना। देखिए अगर हम देखिए हमारा ये एक सम चतुर्भुज है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका देखिए यहां पर क्या दिया गया एक सम चतुर्भुज है और ये इसके डायगोनल हो गए यानी कि विकर्ण हो गए दोस्तों। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये मान लिया हमारा D1 है और ये हमारा D2 लाइन है दोस्तों, ये हो गए D1 और ये लाइन हो गए मेरी D2 हो गए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारे यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2 = विकर्णों का गुणनफल यानी कि D1 × D2। अब आपको एरिया दे रखा है यहाँ पर 24 m² = 1/2 D1 आपको दे रखा है यहाँ पर 8 मीटर और आपको D2 निकाल लेना है। ओके 2 × 4 = 8, 4 × 6 = 24, ठीक है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे एक वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो देखिए हमें पता चल गया यहाँ पर D1 हमारा देखिए कितना है, अगर 8 है तो D2 बराबर कितना होगा, 6 होगा, ये हमें मालूम चल गया है। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, आइए जानते हैं। हमें दोस्तों पता है D1 बराबर हमारा जो है वो 8 मीटर है और D2 बराबर जो है हमारा 6 मीटर है और हमें इसकी भुजा निकालनी है। तो ये दोस्तों हमारे क्या था, एक सम चतुर्भुज था। ओके ये एक सम चतुर्भुज है जिसमें से हमारी देखिए ये जो लाइन है आपकी ये 8 मीटर है, ये लाइन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 6 मीटर है और ये आपको पता है दोस्तों सम चतुर्भुज में दोस्तों ये कितना होता है आपका, ये 90 डिग्री एंगल होता है। अगर दोस्तों ये जो लाइन आपकी है अगर ये 8 है तो ये आपका 4 होगा, 4 आपका ये भी होगा। अगर दोस्तों ये लाइन आप लोग दोस्तों 6 जा रही है तो 3 आपका ये भी होगा, 3 आप लोग का ये भी होगा। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट्स है। देखिए ये आप लोग की जो है 3 है, ये आप लोग की 4 है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। चाहे तो आप लोग पाइथागोरस निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये भुजा 5 हो जाएगी, तो वही आप लोग देखिए 4 × 3 है तो ये 5 होगा आपका, ये 4 × 3 तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारी जो है सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये होगी आप लोग की 5 मीटर। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका 5 मीटर। ओके इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने।
चलिए अब देखते हैं, आपको दिया गया, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वहीं उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, निवेश किए हैं। तो दोनों का दोस्तों लाभ जो रेशियो आएगा वो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सुरभि इन्वेस्टेड ₹600 फॉर 5 मंथ्स एंड उर्वा इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर 6 मंथ इन अ वेंचर, द रेशियो इन विच दे विल शेयर द प्रॉफिट इज। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है रेशियो निकालना है। तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड ये 5 मंथ का और रुपए कितने 6,000 है, तो लिखेंगे 5 × जो लिखेंगे 6,000 लिखेंगे और ये बनाएंगे अनुपात का साइन, और इसने रुपए इन्वेस्ट किए 6 मंथ के लिए, कितने रुपए इन्वेस्ट किए 5,000 किए। तो दोस्तों हमारा 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएगा, उसके यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 1:1। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका डी वाला, क्लियर दोस्तों। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ से आपका 1:1, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा, देखिए किस टाइप से आपको लगाना है, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको बताते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में यानी कि एक दिन में एक दूसरे के साथ में जो है 44 बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब दोस्तों अगर आप लोग ये देखिए, मान लीजिए आपकी घड़ी है, ठीक है ना, एक अगर आप लोगों को घड़ी दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि मैंने एक पेन टूल सेलेक्ट किया, चलिए देखिए आप लोग, मान लीजिए आप लोग की ये घड़ी है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया 12, यहाँ पर आपका 6 है, ये आपका 3 है और ये आपका 9 है। तो अगर दोस्तों ये सुई आप लोग यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर है, ये आपका समकोण बनेगा। तो ऐसे दोस्तों एक दिन में जो है टोटल घड़ी जो 44 बार समकोण बनाती है, तो आपको दोस्तों बताना यहाँ पर एक सप्ताह में कितनी बार बनाएगी, आपको क्या निकालना है एक सप्ताह में। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 44 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, और हमारा आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 308 बार। तो जिनका भी आंसर 308 बार आ रहा बिल्कुल सही है, ओके। तो बिल्कुल देखिए अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक घंटे के अंतर्गत दोस्तों कितनी बार बनता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बार आपका ये बनेगा, एक एंगल आप लोग का ये बनेगा, एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। तो टोटल दोस्तों अगर आपके पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में जो है वैसे हमारा कितना हो जाएगा आपका 44 बार समकोण बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, 11 है, एक घंटे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 44 हो जाएगा, और फिर आपको एक हफ्ते का निकालना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 308। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बोर्ड मास थ्योरम आपको अप्लाई करके लगा लेना है। तो आइए देखते हैं, तो चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे क्या जाएगा यहाँ पर, हमारा 4 + 1/6, ठीक है ना, ये ब्रैकेट आप लोग का लगा हुआ है, आपका देखिए मंजिला ब्रैकेट आपका दिया गया माइनस का 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब देखिए आपका अंदर क्या दिया गया, अब आपको देखा 25 - 13 - 3, ठीक है ना, तो 25 - 13 - 3 इसको सॉल्व करें, 13 × 3 कितना होगा आपका 16 होगा, उसमें से 25 माइनस किए दोस्तों आप लोग, तो 16 दोस्तों 25 घटाएंगे आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो प्लस का आ गया, तो मेरा यहाँ पर 9 आ गया, और ये हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 9 बचा और ये ब्रैकेट बचा है, इसके बाद आपको देगा डिवाइड बाई माइनस का 5 दिया गया, ओके। तो इसको ध्यान रखना है, आइए आगे देखिए हमारे क्या आ जाएगा, 4 + 1/6 ये आपका आ जाएगा माइनस का 90, यहाँ पर दोस्तों मेरा आ गया माइनस का आ गया 90 आ गया, और यहाँ पर आपका डिवाइड बाई दे रखा 5, तो इसको मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 / -5, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 × 5 बचेगा दोस्तों आप लोग का, यहाँ पर देखिए 4 बचेगा, 5 × 18 आ जाएगा। फिर देखिए हमारा जाएगा 4 + 1/6 × 18, 6 × 3 = 18, 4 + 3 आ जाएगा 7। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 7 आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ से 7। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी आप लोग की संख्या संयुक्त है यानी कि कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर की बात करें दोस्तों, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 57, 57 का अगर नंबर देखेंगे आप लोग 57, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो देखिए आप लोग ये संख्या संयुक्त संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे में दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप लोग यहाँ से, चलिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको लगाना है, आइए देखते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया और इसका आपको लगाना है, तो 57 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, देखिए 1 × 19 × 3, तो देख सकते हैं इसके जो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये नंबर जो आप लोग का होगा ये होगा कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 25%। मतलब दोस्तों आपको दिया गया एक दुकानदार अपने ग्राहकों को
20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्या होगा जिसका क्रय मूल्य के जो है दुकानदार के लिए 600 रुपए है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना है, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को लगाना है, अप्लाई करना है, तो आइए जानते हैं। देखिए अब आपको दिया गया दुकानदार जो 20% डिस्काउंट देता है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% डिस्काउंट देकर भी 25% का लाभ जो अर्जित करता है। हमने दोस्तों मान लिया उसका जो एमपी है ये हो गया अंकित मूल्य हो गया, इस पर 20% डिस्काउंट देता है, तो एमपी का 80% बराबर लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीपी का 125, तभी तो दोस्तों हमें 25% का लाभ मिलेगा 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारा एमपी अपॉन सीपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 125/80, ये आ गया दोस्तों। अब आपको देखिए क्या दिया गया, क्रय मूल्य दुकानदार के लिए आपको 600 रुपए दिया गया, आपको दोस्तों क्रय मूल्य जो यहाँ पर कितना दिया गया 600 रुपए दे दिया गया। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर एमपी सीपी दर रकम यहाँ पर 600, इधर आपको दिया गया 125 और नीचे आपको दिया गया यहाँ पर 80 दिया गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, आइए इसको सॉल्व करते, देखिए जीरो से आप लोग का जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोग इसको 2 से डिवाइडेड 2, 4 जाए 2, 3 जा 6, यहाँ पर आपका 30 आएगा। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप लोग का कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 937.5। ओके तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर होगा उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 937.50। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कैसे दोस्तों किसी भी दसभुज में कितने विकर्ण होंगे। अब आपको जो विकर्णों की संख्या निकालनी है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द डेकागन, तो दोस्तों यहाँ पर दस भुजाओं वाले की यहाँ पर आपको डायगोनल बतानी, तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। कभी भी दोस्तों किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो ये अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली है बिल्कुल, ये आप लोग पूरा पैकेज देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें आप लोग को तमाम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। ओके तो देखिए आपको बताते हैं किसी दसभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो विकर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों आप लोग की बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होती है आपका n n-3 अपॉन में आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा n n-3/2। अब क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो डेकागन है तो दोस्तों यहाँ पर n बराबर कितना होगा आपका, n बराबर तो मेरा यहाँ पर 10 दिया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका 10 भुज है, तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग 10 में से 3 क्या बचेगा आपका 7 बटे आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 10 तो 5 × 7 35 राइट आंसर दोस्तों, तो टोटल आपके नंबर ऑफ डायगोनल कितनी होंगी 35 होंगी। क्लियर दोस्तों, आप देखिए अगर चतुर्भुज होता है, मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक तरीका और इसको समझाने का, बहुत ही अच्छा तरीका, ये आपका देखिए चतुर्भुज दिया गया, ओके क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें कितने विकर्ण आपके हैं, दो ही तो विकर्ण दोस्तों। अब यहां पर हमारा एन बराबर जो है 2 है, सॉरी एन बराबर तो हमारा कितना है 4 दे रखा है, और फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर n n-3/2, तो लिखेंगे 4, यहां पर देखिए क्या करेंगे 4 में से 3 आ जाएगा 1/2, सॉल्व करने दोस्तों मेरा 2 आएगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे आपके, 2 ही तो आ रहे हैं, तो बस इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। मतलब दोस्तों क्या दिया गया है, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% मार्क्स चाहिए हैं, ओके तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल 40% के इक्वल लग देना इसको, आइए देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात आपको दिया गया 40 अंक चाहिए, ठीक है ना, तो 40 अंकों का यहाँ पर 34% निकालते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 × 34, ओके और ये आ जाएगा हमारे यहाँ से 4 × 4 = 16 × 136/10 और राइट आंसर का हमारा यहाँ पर 13.6 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मेरा आंसर क्या आएगा आपका, सी आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर परीक्षा में सफल होने के 34 अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में कितने अंक की लाने होंगे दोस्तों, 13.6 अंक लाएंगे, आप लोग पास जाएंगे, 34% के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, 45, 30 और 35, इनका लासा आप लोगों को निकालना है। सिंपल सी बात है, लासा निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग जो इसको लगा ही लेंगे, तो आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ लासा कैसे आपको निकालना है। देखिए 45 दिया गया, 30 दिया गया और 35 आपको दिया गया। 45 का होता है यहाँ पर आपका 3, 3 जा 9, 5 जा 45, 30 का क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ से 2, 3 जा 6, 5 जा 30, 35 का क्या होगा आपका 5 × 7 हो जाएगा, तो हमारा दोस्तों यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 630। ओके तो दोस्तों जिनका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका यहाँ से ए आ जाएगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, 256 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग होंगे, अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। देखिए दोस्तों कैसे आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी कि फैक्टर आपको बताना है पूर्ण वर्ग गुणनखंड। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक आ जाएगा, चार से भी चला जाएगा आपका 16, 64 और 256। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कितने यहाँ पर गुणनखंड आएंगे जो कि पूर्ण वर्ग है, 1, 2, 3, 4, 5। मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 5। तो जिसका भी आंसर 5 आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी आयु में 16 वर्ष का अंतर है। तो ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनका अंतर आपको दिया गया है 16 वर्ष। तो दोस्तों मैंने माना यहाँ पर बी की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी आप लोग की, आइए देखते हैं। बी वैल्यू हमारे यहाँ पर हो जाएगा एक्स और ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हमारा ए आ जाएगा यहाँ पर 16 + x। तो इनका दोनों का अंतर हो गया हमारे यहाँ से 16। अब 6 साल पहले कंडीशन आपको दे रखी है कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु ठीक है ना छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। क्लियर तो यहाँ पर, चलिए तो इसको ले चलते 3 साल पहले यानी दोस्तों यहाँ पर सॉरी 6 साल पहले एक्स माइनस 6 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 16 + x - 6। अब दोस्तों क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, तो इसका दोस्तों ये क्या 3 गुना थी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए आपको आगे क्या करना है यहाँ पर समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3x - आ जाएगा यहाँ पर 18, इधर बचेगा दोस्तों आप लोग यहाँ से x+ का आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके 3x ये आपका x आएगा, बचेगा आपका 2x, 2x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 28 और x बराबर आएगा आप लोग का यहाँ से 14। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर a और b में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है दोस्तों यहाँ पर, तो ये दोस्तों मेरी आ चुकी है यहाँ पर 14। तो x बराबर हमारा 14 आ गया, बड़े व्यक्ति की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी 14 में आप लोग को 16 जोड़ देना है दोस्तों, 6 + 4 हो जाएगा 10 और 2 + 1 हो जाएगा 3। बड़ा व्यक्ति जो है वो 30 साल का है, छोटा व्यक्ति आपका 14 साल का, इनका अंतर जो आप लोग का देख सकते हैं 16 है ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर 14 वर्ष आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अब देखेंगे आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ के सामने दोस्तों, दो भिन्नों का योग आपको दिया गया 3/4 है, उनमें से एक आपको दिया गया 1 of them is 2/3, व्हाट इज द अदर फ्रैक्शन, तो दूसरी भिन्न क्या होगी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को लगाना है। देखिए सिंपल तरीका है, एक आपको दिया गया 2/3 है, एक वैल्यू आपको पता है क्या याद रखा आपको 2/3 है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने तो दूसरे में मान लिया x हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो योग है वो आपको दिया गया 3/4 के बराबर ठीक है ना, बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए x बराबर मेरा आ जाएगा 3/4 माइनस का आ जाएगा 2/3, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, एग्जैक्ट आंसर आएगा 1/12। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से बी। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा उसको आप लोगों को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं इसी मेथड के थ्रू, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का, क्या मेथड है आइए जानते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, वॉशिंग मशीन का देखिए आपको दिया विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का 1/3% है, विक्रय मूल्य यानी कि हो गया हमारे यहाँ पर SP सेलिंग प्राइस। ओके ये आपको दिया गया CP का 1/3 × 3 और 1/4 हो गया, ये यहां से दोस्तों मेरा आ जाएगा SP / CP आ जाएगा 4/3। तो 3 रुपए की चीज है 4 रुपए में बेची जाती है तो लाभ होता है यहाँ पर 1 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है 3 रुपए की वस्तु पर। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करने को आपका आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 1/3%। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल सही है।
ओके उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपए में बेचा जाता है तो कितना लाभ या फिर हानि होगी, ये आपको बताना है। 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, यानी दोस्तों कैसे आपको लगाना है ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए सिंपल सा मेथड इसका भी है, देखिए समझिए, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 4% की हानि पर। ओके तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 96% बराबर, तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, जी हाँ तो बिल्कुल इसको हमने लिख लिया यहाँ पर 3600। ओके तो दोस्तों हमने क्या लिखा यहाँ पर 96% बराबर, तो कितना लिख लिया 3600 लिख लिया। आपको 100% की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगा देखिए 3600। ओके अपॉन दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, 3600 अपॉन में दोस्तों हमारे क्या आएगा 96 आ जाएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो ये हो जाएगी 100% की वैल्यू। ओके तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, 3600 को 96 डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा आपका, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों मेरे यहाँ पर 3750। ये है अब इसको 4200 में बेचा जाता है, 4200 में बेचा जाता है, ये इसका एसपी है, और इसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है दोस्तों 3750 रुपए इसकी कीमत है। ओके तो इसको दोस्तों माइनस कर लीजिए, 4200 में से दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर 3750 को माइनस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ से 450 आ जाएगा, तो 450 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पर 3750 में, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 450 नीचे आएगा आपका 3750 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 450 दोस्तों देखिए क्या दिया गया आपको 450 इंटू आपको दिया गया पर 100 और इसको दोस्तों डिवाइड करना है आपको किससे 3750 से। ओके तो 3750 से डिवाइड करेंगे आपको कितना आ जाएगा पर 12% आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर में दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है कितने का 12% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर 12% आ रहा है बिल्कुल सही है। ओके तो एक तरीका तो आपके पास ये था, दूसरा तरीका और है इसको लगाने का, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको भी समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4200 में अगर बेचा जाता तो लेकिन यहाँ पर 100+x ये हो गया दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, और इसको जब 3600 में बेच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो हानि हो रही है दोस्तों कितनी हमारी 100 माइनस का 4%, लेकिन 100 माइनस लिखेंगे 96, तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा देखिए कितना आ जाएगा 7/6 बराबर दोस्तों हमारा बचेगा 100+x/96, ये आपका आ जाएगा उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपको आ जाएगा 600+6x इधर आ जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ से 672, 6x बराबर आएगा दोस्तों यहाँ से आपका 72 और x बराबर आ जाएगा 12। तो एक मेथड आपका ये चाहे तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए, या फिर आप लोग बाई मेथड भी लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए दोस्तों, चाहे बाई मेथड लगा लीजिए आंसर आप लोग का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो इसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लगाएंगे तब आपका टाइम कम लगेगा, तो आइए दोस्तों बताते हैं कैसे आप लोगों को लगाना है। देखिए एक आपको घन दिया गया है जिसमें एक किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, हमने दोस्तों माना हमारा ये पहले घन था, ये एक दोस्तों हमें दे रखा है क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, ये हमारा देखिए मान लीजिए घन था हमारा, इसको समझिए दोस्तों ये हमारा घन हो गया, तो इसमें दोस्तों क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाई जाती है, किनारे को जो 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, यानी कि दोस्तों x+3 कर दिया जाता है, पहले अगर x था तो अब कर दिया था x+3, लेकिन आयतन में दोस्तों आयतन दोस्तों कितना बढ़ जाएगा आपका 657 बढ़ जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें से पहले वाला आयतन घटाएंगे तो बड़ा हुआ कितना निकल के आएगा 657 बड़ा हुआ निकल कर आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर लीजिए आप लोग बाय ऑप्शन लगाइए, सबसे पहले रखेंगे हम लोग ऑप्शन ए, अगर दोस्तों हम लोग x बराबर अगर 7 पुट करेंगे दोस्तों तो क्या हमारा ये 657 आएगा, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन लगाने पर बहुत ही कम टाइम लगेगा, 7 3 होगा दोस्तों हमारा 10 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है दोस्तों आप लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, 343 माइनस करेंगे और आपका आ जाएगा 657, तो देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो इस प्रकार जिसका भी आंसर 7 आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम्स 5000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से जो है निवेश करता है, एन वर्षों के बाद सेम्स को जो है यहाँ पर 1655 रुपए और प्राप्त होंगे, तो एन का मान ज्ञात करना है। देखिए 5000 रुपए की धनराशि है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% दर से निवेश कर रहा है और 1655 रुपए हो रहा है, इस क्वेश्चन को लगाने का क्या बेस्ट मेथड है, क्या तरीका है, इसको भी देख लेते हैं आइए एक नजर में। देखिए 5000 रुपए की धनराशि है, 10% का जो है दोस्तों यहां पर क्या है ब्याज की दर है, देखिए
और टाइम मान ले दोस्तों हमारे 1, 2, 3, 4 जो भी होगा बढ़ जाते रहेंगे। समय दोस्तों सबसे बड़ा चार्ज दे रखा 5,000 का 10% होगा हमारा, देखिए 500 रुपए। तो पहले साल ही 500 मिलेगा दोस्तों ब्याज, दूसरे साल ही 500 ब्याज मिलेगा, तीसरे साल ही 500 ब्याज मिलेगा, अगली बार में दोस्तों हमें 500 का भी 10% मिलेगा जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए 2 साल में तो कितना होगा हमारा 5,000, 1,050, लेकिन दोस्तों हो कितना आपका 1,655 हो रहा है, अभी और चाहिए होगा। अब अगली बार आपको देखिए 500, 500, 1,000 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर दोस्तों 5,000 का दोस्तों इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, आप लोग 5 3 हो जाएगा 1,500 प्लस 150 प्लस 5, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1,655 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैं टाइम लगा कितना लगा 1, 2 और 3 का राइट आंसर होगा हमारा 3 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल ये मेथड अगर आप लोग को आ गया तो फिर सब कुछ आने लगेगा, बस डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आप लोग सीख जाएंगे। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया है, ट्रेन की रफ्तार क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दूरियों का अंतर कितना है, दूरियों का अंतर देखा पहले देखिए आपको दिया गया यहाँ पर, चलिए कैसे लगाना है आइए देखते हैं। हाँ देखिए आपको दिया गया एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 को 17 सेकंड में, तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, दूरी दूरियों का अंतर आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से 180 माइनस 140, ये आ जाएगा कुल मिलाकर आप लोग का यहाँ से 40, ठीक है ना, दूरी का आगे 40 मीटर आ गया। ऐसे तो निकालेंगे समय, समय का अंतर आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए पहले दे रखा हमारा 17, फिर आपका है 15, समय का अंतर आ जाएगा 2 सेकंड का, आपको निकालनी है 4, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40/2 आ जाएगा दोस्तों हमारे कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है, तो लिखेंगे यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 18/5 से, सॉल्व करने आएगा 5 4 20 18 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जिनका भी आंसर दोस्तों यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, जलाशय को पूरा भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा ये आप सभी को बताना है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को लगाना है, देखिए क्या तरीका है। देखिए रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है और आधा भरने के बाद इसी तरीके के तीन और मतलब दोस्तों आप लोग का यहाँ पर ए बी सी डी ये तो पहले वाला था आपका, और 3 इसी टाइप के और ये आपके एक जलाशय को अलग अलग भरेंगे तो 4 घंटे इसको भी लगते हैं, 4 इसको लगते हैं, 4 इसको लगते हैं, 4 इसको लगते हैं, हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। पहले दोस्तों क्या आधा जलाशय भर गया, आधा जलाशय भर चुका दोस्तों हमारे यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर बचा हमारा 2, अब बचा दोस्तों हमारा टोटल 2 बचा है, 2 और भरना है यहाँ पर, 2 क्षमता बची है। तो दोस्तों अब क्या आपके 3 तो ये चल ही रहे हैं दोस्तों, आपका 1 आपका ये भी पहले चल रहा है, तो टोटल ये मिलाकर होगा हमारे यहाँ पर 4, तो 2 को 4 स्पीड से भरेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, सॉल्व करने पाएगा आपका 1/2, ठीक है ना, सॉल्व करने दोस्तों आपका आएगा 1/2। देखिए पहले जो आपका जलाशय भरने में कितना टाइम लगता है, देखिए ये जो पहला वाला है ये 4 घंटे में पूरा भर सकता है, पहला वाला जो है 4 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन इसने भरा कितना था पहले आधा भरा था, तो आधा भरने में इसको 2 घंटे लग गए थे, उसके बाद 3 और उसी टाइप के खोल दिए गए जिनको यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा लग रहा है, तो ये 4 लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ आधा घंटा लग रहा है, तो 2.5 में आपका आधा और जुड़ा कितना आ जाएगा आपका 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा, जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी है, सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर दूर है, यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग 4 मीटर नीचे खिसक जाता है तो पाद से कितनी दूरी होगी यह आप सभी को बताना है। देखिए सिंपल सी बात दोस्तों, क्वेश्चन को मैं आपको सीधे डायरेक्ट बताता हूं कैसे आपको लगाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, एक सीढ़ी आपकी, देखिए एक आपकी सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो ये हो गए दोस्तों मेरे यहाँ पर सीढ़ी हो गई, सीढ़ी दोस्तों यहाँ पर आपकी दे रखी है यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये आप लोग की जो सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे जो टिकी हुई है, और ये पाद से 7 मीटर दूर है, यहाँ से 7 मीटर दूर है, और सीढ़ी की जो लंबाई ये है 25 मीटर जो है लंबाई है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों क्या कह रहे हैं आपकी सीढ़ी जो है आप लोग के यहाँ पर, देखिए आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए शीर्ष भाग से 4 मीटर नीचे खिसक जाता है,
सीढ़ी जो है दोस्तों आपका शीर्ष भाग से 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। ओके चलिए, ये जो दोस्तों आपका, ये जो है आपकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, पहले इसके निकाल लेते हैं। ये आपका 4 मीटर जो नीचे खिसक जाती है, 4 मीटर जो नीचे खिसक जाती है दोस्तों। तो अब सीढ़ी दोस्तों मेरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी दोस्तों मेरी यहाँ पर बन जाएगी। अब सीढ़ी दोस्तों मेरी यहाँ पर ये हो गई, ये सीढ़ी आ गई यहाँ पर खिसक कर, क्योंकि दोस्तों ये खिसक गई तो ये आ जाएगा ना, ये दूरी तो आपकी 25 रहेगी दोस्तों। आपको निकालना यहाँ पर ये, तो नीचे से कितना खिसकेगी दोस्तों, ये आप लोगों को फाइंड आउट करनी वैल्यू एक्स। चलिए लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ए बी और सी में, आइए देखते हैं। ये हमारा 25 है, ये 7 है दोस्तों, तो 25 का दोस्तों हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, 7 का दोस्तों कितना होगा, 7 का आ जाएगा आपका 49 हो जाएगा। सॉल्व करने से हमारा कितना बचेगा आपका 6 आ जाएगा, 11 से आएगा 5 आ जाएगा दोस्तों, हो गया ना। तो फिलहाल कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा आप लोग यहाँ से देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 576 आ जाएगा दोस्तों, और इसका रूट चढ़ेगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा दोस्तों। ये जो पूरी वैल्यू हमारी 24 है दोस्तों, तो अब देखिए 4 मीटर जो नीचे किसका है दोस्तों हमारा, तो ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 4 आप लोग का ऊपर है, तो ये जो दूरी आएगी कितनी आएगी आप लोग, ये 20 आ जाएगी दोस्तों। और ये आपको निकाल लेना है, ठीक है ना, ये आपको पूरी निकालना है दोस्तों, और ये आपको दिया गया 25 है, तो ये 20, ये 25, और ये कितनी होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए 90 डिग्री एंगल है, आपको कर्ण दिया गया दोस्तों 625 आ जाएगा, 625 और ये होगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपको बचेगा दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 225 आ जाएगा, और 225 का रूट होता है 15, तो ये पूरी जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब 15 में से दोस्तों 7 हमारा ये हो गया दोस्तों, तो ये कितना होगा आपका, ये आ जाएगा 8, तो जिनका भी आंसर दोस्तों हमारा 8 आ रहा, बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका 8 मीटर। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, कॉट ए माइनस बी कितना होता है, चलिए देखते हैं। देखिए कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉट ए माइनस बी होता है आप लोगों का कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों यहां से आप लोग का, यहां से कॉट बी माइनस कॉट ए। तो दोस्तों ये किसमें आपको देगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, ये हो गया गलत, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, ये आपका देखिए प्लस रखा, ये भी गलत हो गया, यहां पर प्लस यहां पर माइनस है, तो बस 221 का एग्जैक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको दिखे वैल्यू बताने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में दिया गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। देखिए इसको लगाएंगे कॉन्जुगेट से, आइए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए। देखिए किस टाइप से इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखिए इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आपको दिया गया कॉस ए, एक मिनट, आपको दिया गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन दिया गया 1 प्लस का कॉस ए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे दोस्तों, अंदर ही दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 माइनस के कॉस ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा हमारा स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ऊपर वाला हमारा आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस का कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर आ गया स्क्वायर आ गया, नीचे आ जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए ए प्लस बी रखा आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और बी ए कॉस ए, कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर ए के। देखिए दोस्तों तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, और ये जो आपका स्क्वायर था इससे रूट हट जाएगा, और नीचे आपका आएगा साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा साइन ए, इतना समझ में आ गया दोस्तों आप लोग का। तो दोस्तों मेरा बचा यहाँ पर 1 माइनस का कॉस ए अपॉन का साइन ए, ठीक है ना, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपका आ रहा है, देखिए 1 माइनस का कॉस ए है, तो इसकी जगह पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन है, कॉन्जुगेट ही करना तो और कुछ नहीं करना आप लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं, और साइन ए दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1 प्लस का कॉस ए, ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या करना है आप लोग को, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा, और आप लोग का आंसर निकाल सकेंगे आप लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस में दिया गया 7π/4 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है आप लोग को, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड इसको लगाने का है। देखिए साइन माइनस का 7π/4 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, देखिए साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है आप लोग का, माइनस का साइन थीटा होता है, ये सभी को पता है, वही चीज आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए इसको समझ लेंगे एक बार तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों माइनस का, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का साइन सेवन पाई अपॉन का फोर। अब दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, माइनस का साइन यहां पर लिखेंगे टू पाई, माइनस का लिखेंगे पाई अपॉन फोर। देखिए दोस्तों चार दुनी आठ, आठ में से एक जाएगा दोस्तों, सात पाई तो बचेगा, यही आ जाएगा। अब ये होगा दोस्तों साइन 360 माइनस थीटा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए इसको समझना आपका, साइन 360 माइनस थीटा ये होता है आप लोग का माइनस का साइन थीटा। ओके तो दोस्तों हमारे क्या दोस्तों माइनस पहले लगा हुआ है, अंतर आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह पे आपने किया दिया गया पाई अपॉन फोर, पाई अपॉन फोर आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा आप लोग का प्लस हो जाएगा, और आपको निकालना साइन पाई बाई फोर का मतलब हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 मान कितना होता है आप लोग का, 1/√2 होगा दोस्तों। तो जिनका भी आंसर 1/√2 आ रहा बिल्कुल सही है दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सी वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में पहला और आखिरी पद आपका 23 और -42 है, यदि श्रृंखला में 14 पद है तो योग क्या होगा, आप सभी को बताना है। चलिए फिलहाल दोस्तों देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन को लगाना है, आइए समझते हैं। देखिए अब आपको पहला पद दिया गया, यहां पर देख सकते हैं आपको पहला पद दे रखा है आप लोग यहां पर 23, पहला और आखिरी पद क्रमशः दे रखे हैं 23, और आखिरी पद दोस्तों आपको दे रखा है यहां पर, देखिए लास्ट टर्म दे रखा है आपको माइनस का 42, और टोटल श्रृंखला में जो पद है आप लोग के दोस्तों ये कितने 14 पद है, तो एन बराबर से आपको दिया गया पर 14 दिया गया, तो इसका योग क्या होगा दोस्तों, आपको श्रृंखला का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आप लोग योगफल निकालेंगे, थे कुल पदों का जो योग होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग यानी कि एस एन बराबर आपका होता है यहां पर टोटल पद एन अपॉन टू, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर आपका ए प्लस लास्ट नंबर आपका एल बराबर लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे एन बराबर है 14 अपॉन में 2, फर्स्ट नंबर आपको दिया गया यहां पर 23, ओके लास्ट नंबर दिया गया आप लोगों को माइनस का 42, लिख लेंगे दोस्तों डायरेक्ट यहां पर माइनस का 42, सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 27 जा जाएगा 14, इधर आएगा 7 इंटू मल्टीप्लाई होगी दोस्तों यहां से माइनस का 19 से, और राइट आंसर होगा माइनस का 133। ओके तो जिनका भी आंसर दोस्तों माइनस का 133 आ रहा बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, इफ ए अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू बी अपॉन आर माइनस पी इक्वल टू सी अपॉन पी माइनस क्यू, तो दोस्तों आप लोग को यहां पर पी ए क्यू बी और आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए लगाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मानकर कर लेंगे तो आप लोग का जल्दी लग जाएगी, जैसे कि मैंने माना यहां पर ए बराबर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, ए की वैल्यू दोस्तों हमने मान ली 2, और क्यू की वैल्यू दोस्तों हमने लिख ली यहाँ पर 2 लिख लिया यहाँ पर, और आर की जगह क्या लिख लिया दोस्तों हमने यहाँ पर आर बराबर माना 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, 2/1 आपका वैल्यू 2 हो जाएगी, इस पूरे टर्म की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको भी दोस्तों 2 बनाना दोस्तों, तो हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर बी, बी की वैल्यू दोस्तों हमने यहाँ पर 2 मान ली ऊपर, आर का मान दोस्तों हमें 1 दे रखा है यहाँ पर, पी का मान मान लिया 0 हो जाएगा, पी की वैल्यू दोस्तों मैंने मान ली 0 हो जाएगी, अब पी हमें दे रखा है 0 दे रखा है, क्यों मैंने माना था दोस्तों पहले से 2 मान रखा था दोस्तों, तो यहां पर इसको 2 बनाने के लिए इस पूरे टर्म को दोस्तों यहां पर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे माइनस का 4, तो दोस्तों मेरा यहां पर कुल मिलाकर क्या आ गया, ए बी और सी, देखिए ए का मान दोस्तों मेरा कितना आ गया आपका 2 आ गया, बी का मान 2 है, सी का मान लेकिन माइनस का 4 है, और इधर दोस्तों पी क्यू आर के लिए क्या दे रखिए, पी का मान देखिए आपको दे रखा है 0, क्यू का मान दोस्तों मैं देखिए कितना दे रखा है यहां पर 2 दे रखा है यहां पर, और आर की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है यहां पर, आर की वैल्यू देखिए आपको 1 दी गई है। ओके तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अब आपको निकालना P इंटू ए, तो P की वैल्यू है 0, A की वैल्यू आपको 2 है, 0 इंटू 2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस Q इंटू B, Q का मान है आप लोग का 2 है, B का मान 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस का R इंटू C, R की वैल्यू तो तुम्हारी यहां पर 1 है, और C का मान है माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, तो 2 दुनी 4 प्लस माइनस माइनस का 4, कुल मिलाकर दोस्तों मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर 0 आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 0। चलिए एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल आपको दिया गया 166.32 वर्ग सेंटीमीटर, तो आप लोग को त्रिज्या निकालनी है,
तो देखते हैं फिलहाल कौन इसकी त्रिज्या निकाल कर दिखा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, आइए देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया यहाँ पर इतना है और गोलार्ध की बात हो रही है, गोलार्ध। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 पाई r² बराबर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना, 166.32, यही तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि गोलार्ध की जो कुल सतह है दोस्तों, ये आपको दिया गया कितने, गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल, और ये होता है 3 पाई r² के बराबर। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 × 22/7 × r² और यहाँ पर तुम्हारा कितना दे रखा है, 166.32। सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3/2 × 7 r². इसको मैंने दोस्तों यहाँ पर 11 से काट दिया, 11 यानी 22, ठीक है ना, 11 × 11, 11×5 = 55.12 आ गया, 11×22। ओके अब देखिए आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आप लोग का, देख सकते हैं आप लोग, r² बराबर से मेरा आ जाएगा दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर 2.52 × आ गया 7, r² बराबर से हमारा लिख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर 0.36 × 7 × 7। अब इस पर ये स्क्वायर डालेंगे आपका रूट आ जाएगा दोस्तों, 36 का हो जाएगा आप लोग का 6 हो जाएगा 0.6, और 7 का 2, 7 का 1, 7 12 आ जाएगा 7×6 = 42 यानी कि 4.2। तो R का मान दोस्तों कितना आएगा आपका, 4.2 आएगा, जिसका भी आंसर A आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यदि एक सिलेंडर का आयतन जो है 3850 घन सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आप सभी को बताना है। अब आप लोग देख सकते हैं आपको दिया गया सिलेंडर का आयतन दिया गया, ध्यान देखिएगा। आइए क्वेश्चन को लगाकर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना है देखिए। अब आपको देखिए एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोस्तों आपको आयतन दिया गया यहाँ पर 3850 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है आपको 25, इसकी जो आप लोग की जो हाइट है दोस्तों कितनी आप लोग की है, 25 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस निकाल दिया। तो बेलन का आयतन होता है आप लोग यहाँ से πr² बराबर आपको दिया गया है 3850, ठीक है ना। बेलन का आयतन दोस्तों कितना होता है आप लोग का, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप लोग, बेलन का आयतन जो होता है आप लोग यहाँ से कितना होता है आपका, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, πr² और ये दे रखा है आपको 3850, एच की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 25, तो इसी ले सकते हैं 25/7 r² 3850। सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, r² बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 49, और बिना टाइम वेस्ट किए r का मान आपका आ जाएगा 7। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। चलिए अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए त्रिभुज DEF और GHI एक समरूप त्रिभुज है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है। DE की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है, GH की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज DEF और GHI के क्षेत्रफल अनुपात बताना है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, अगर आपको भुजाओं की लंबाई पता है तो क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये थ्योरम है। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये। देखिए यहां से देखते हैं उसको डायरेक्ट दिया गया है, DEF और GHI दो समरूप है, ये हो गया हमारा त्रिभुज DEF और एक ट्रायंगल दोस्तों यहां पर आपको दिया गया यहां पर GH और I। अब D और E की लंबाई आपकी 4 है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर दोस्तों आपका, GH की दोस्तों में दे रखी है 9 सेंटीमीटर है, तो आपको ट्रायंगल DEF और GHI का निकालना है। तो DEF और एंगल GHI इनका एरिया निकालना है, एरिया इसका भी। तो एरिया देखिए DEF की जो भुजा कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 इसकी दे रखी है, 9 दे रखी है, इसका स्क्वायर ही होता है आप लोगों का क्षेत्रफल। कोई भी अगर आपको भुजा समरूप की दे रखी होगी और उन दोनों का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात बताना होगा तो भुजा के वर्ग के, ठीक है ना, तो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो तुम्हारे यहाँ पर 16 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो DEF/GHA का जो एरिया होगा ये 16/81 आएगा। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया सेम भाई है, आपको दिया गया GHI और KLM, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं,
यदि जीएचआई की परिधि और इनकी परिधि का अनुपात 9:4 हो तो और जीएच की लंबाई आपकी 27 रखी है तो संगत भुजा केएल की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो आपको परिधि रखी है कोई दिक्कत नहीं, तो परिधि हो चाहे भुजा हो ये सारी बराबर रहती है, रेशियो में समान रहती है। तो कैसे क्वेश्चन लगाना है देखिए, एक ट्रायंगल आपको देगा यहां पर के, ठीक है ना, एल एम, के एल और एम दे रखी है, और एक ट्रायंगल दोस्तों यहां पर आपको दे रखा है, दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं आपको के एल एम, दूसरा आपका यहां पर जी एच आई, जी एच और आई। अब दोस्तों परिधि का रेशियो दे रखा आपका के एल एम का दे रखा है आपको यहां पर 9:4। चलिए परिधि का अनुपात देखिए यहां पर जी एच आई और के एल एम इनका रेशियो दे रखा मैं, और जी एच आई है तो इधर रखा यहाँ पर ट्रायंगल के एल एम, इनका रेशियो दे रखा है 9:4, पहले जी है फिर आपका के है बराबर। दोस्तों आपका देखिए जी एच कितना दे रखा आपको, जी एच ये आपको दिया गया 27 और आपको के एल निकालना है। जैसे कि जी एच आपका देखिए ये है और आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि दोस्तों मान लिया मैंने एक्स है, 9 3 हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, एक्स बराबर आएगा दोस्तों यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो जिनका भी आंसर 12 सेंटीमीटर आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप सभी के सामने आप देखिए दोस्तों आपको क्या देखिए, जैसे कि लाल एक रंग है वैसे फ्रांसीसी है उसको आप लोग की क्या विदेश है, भाषा है, देश है या फिर यूरोप भाषी है। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग का बिल्कुल ए बी सी या फिर डी, देखिए इसका जो आप लोग का आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का आ जाएगा भाषा। जैसे कि लाल एक रंग है वैसे आप लोग को दिया गया फ्रांसीसी एक भाषा है, उसी प्रकार फ्रांसीसी क्या है, भाषा का एक प्रकार है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, आवास किराया यात्रा का क्या होगा। चलिए इसको बताइए आवास का तो आपको किराया, तो यात्रा का क्या होगा, जिस प्रकार आवास में रहने का किराया देते हैं उसी प्रकार यात्रा करने का भी यहाँ पर फेयर दिया जाता है, किराया हो जाए यहाँ पर फेयर, राइट आंसर होगा आपका फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यार आपके सामने दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों की संख्या को चुनिए, सबसे अलग और विषम क्या होगा। चलिए दोस्तों बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं आप लोग का 33 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, शब्द बी और डी को छोड़कर अन्य सभी जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर है, जैसे कि बी डी, जेड का उल्टा ए होता है, बी वाई और आपको दिया गया एक्स सी, तो गलत कौन सा आपको दिया गया दोस्तों यहाँ पर बी डी को छोड़कर। ओके तो जिनका भी आंसर दोस्तों बी डी आ रहा बिल्कुल सही दोस्तों, ओके ना, डी और डब्ल्यू दोस्तों ये डी और डब्ल्यू साथ में आता है ना कि आपका बी डी आता है, तो ये सबसे अलग दे रखा है इसलिए इसका आंसर होगा आप लोग का ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पर ए बी डी एफ जी आई एल एम ओ एस टी यू, तो गलती दोस्तों यहाँ पर है आपकी, देखिए आपको देखिए पर ए बी एफ जी एल एम एस टी फिर बी क्या क्या बी सी डी जी एच आई एम एन ओ एस टी यू, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपका टी का आपका यू आ रहा है, लेकिन सभी में दोस्तों क्या बी से एक स्टेप के बाद आ रहे, देखिए मतलब दो स्टेप आगे इसमें दो स्टेप आगे बट इसमें एक स्टेप आगे, तो सबसे अलग आपका क्या होगा यहाँ से आप लोग का ये होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का डी वाला, ठीक है ना, तो जिसका भी यहाँ से डी आ रहा बिल्कुल सही है, एस टी यू जो है सबसे अलग है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना, दिए गए विकल्पों में से संख्या युग्म को चुनिए जो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बी ऑप्शन 30 दुनी 60 दुनी 120 31 दुनी 62 दुनी 124 36 72 दुनी यहाँ पर दिया गया आप लोग दोस्तों देख सकते हैं 144, ठीक है ना। तो सिंपल सबसे अलग आपका कौन सा, देखिए 22 जो आप लोग का दे रखा है 57, तो ये आप लोग का देखिए बिल्कुल गलत दे रखा है, राइट आंसर होगा यहाँ से आपका ए वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग दो बच्चे आपके दिए गए ए और बी खेल रहे हैं, बी जो है वो आप लोग का ए के उत्तर में 5 मीटर पर खड़ा है, फिर बी जो है पूरक की ओर 10 मीटर चलता है और फिर वो जो है अपने दाहिने ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, उसी समय जो है ए पश्चिम की ओर से 2 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, ए की स्थिति अब बी से कहां पर है ये आप सभी को बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझते हैं, फिर लगाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे आप लगाएंगे इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए क्या करें, आपको देखिए क्या दिया गया, दो बच्चे आपके ए और बी खेल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही देखिएगा दोस्तों आपको क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, ठीक है ना। देखिए आप लोग दिया गया दो बच्चे आपके ए और बी खेल रहे हैं, बी जो है वो ए के उत्तर दिशा में 5 मीटर पर खड़ा है, ठीक है ना, बी जो है आप लोग का ए के उत्तर दिशा में 5 मीटर पर खड़ा है। देखिए फिलहाल हमने बी को मान लिया यहाँ पर, ये रह गया हमारा बी हो गया, ये है दोस्तों हमारा यहाँ पर बी है और ये फिलहाल हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या ए है, तो वही दिया गया आपका बी जो है वो ए के उत्तर में, तो ए के उत्तर में बी है हमारा 5 मीटर दाहिने खड़ा है, 5 मीटर खड़ा है,
फिर जो है बी पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, बी जो है आप लोग का पूरब की ओर। अब दोस्तों ये जो जाता है पूरब की ओर जाता है, यहाँ पर कितना चलता है 10 मीटर चलता है, यहाँ पर यहाँ पहुंच गया बी आपका, यहां से आ गया, आगे देखा फिर अपने दाहिने मुड़कर 8 मीटर चलता है। अब दाहिने और मुड़ जाता है यानी कि नीचे जाए दोस्तों, और कितना चलता है आप लोग का 8 मीटर चलता है। ओके तो ये पहुंच जाता है दोस्तों यहाँ पर आपका ये। आगे देखिए आपको क्या दिया गया, उसी प्रकार उसी समय ए बी जो है पश्चिम की ओर चलता है। अब देखिए आपको क्या दिया गया यहाँ पर, ए बी जो आप लोग का पश्चिम की ओर चलता है और 2 मीटर चलता है। देखिए ये पश्चिम की ओर मुड़ेगा आपका और 2 मीटर चलता है, और फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ेगा आपका 3 मीटर चलेगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी तो देख सकते हैं आपको दूरी कितना है। देखिए ये जो दूरी आपको दे रखी है यहाँ पर, ये आपकी जो है 10 है और ये आपकी 2 है, 10 + 2 मिलाकर आपकी हो जाएगा 12 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो 12 मीटर दूर है, ऐसे में राइट आंसर रहेगा। देखिए बी जो है वो आपका ए से, बी जो है आपका ए से पूरब में 12 मीटर की दूरी पर है। तो ए की स्थिति बी से अब कहां पर होगी, तो ए की स्थिति से अब बी जो है कहां पर होगा आपका, एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से सी वाला, यानी बी जो है आप लोग का यहाँ से ए के पूरब में, बी है जो आप लोग का ए के पूरब में 12 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है। ऐसे दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, ये सेम ऐसे ही लगेगा। ओके इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा आपका ये आएगा बी वाला आएगा, प्रारंभिक स्थिति से 8 किलोमीटर पश्चिम में। सेम जो मैंने आपको लॉजिक बताया इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, लगाइएगा, और आपका जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा आप लोग का यहाँ से ऑप्शन बी, ये आएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 8 किलोमीटर पश्चिम में, 8 किलोमीटर पश्चिम में आएगा, ठीक है ना। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पश्चिम में, बिल्कुल सही, 8 किलोमीटर टू द बेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कथन और निष्कर्ष वाला आपको दिया गया। अब देखिए कथन आपको क्या दिया गया, जिस राज्यों में बांध है, जिस राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये बात जरूरी नहीं है अगर बांध नहीं है तो वहां पर पानी की समस्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। देखिए दोस्तों हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, अगर बांध होगा दोस्तों तो वहां पर समस्या पानी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब जरूरत होगी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पानी पहले से स्टोर होगा। तो पहला वाला जिसका भी आ रहा बिल्कुल सही है, और बांध ही हमारी पानी की समस्या का भी समाधान करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलते हैं, तो सही जवाब होगा आपका सी वाला जाएगा। अब आपको देखा यदि ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की माँ है, ए एंड बी का मतलब रखा ए बी की बहन है, ए डॉलर बी का मतलब रखा ए बी की पुत्री है, तो आपको निकालना है यहाँ पर पी, ठीक है ना, परसेंट क्यू एंड आर डॉलर एस, इसका मतलब क्या होगा ये आप सभी को बताना है, और एस और पी के बीच में रिलेशन बताना है, देखिए कैसे लगाना है, आइए जानते हैं। सिंपल सा तरीका दोस्तों यहाँ पर यही मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, देखिए पी परसेंट क्यू, इसका मतलब आपको दिया गया यहाँ पर ए जो है वो बी की माँ है, तो पी जो है आपकी क्यू की माँ है, तो पी दोस्तों माँ हो गई यहाँ पर क्यू की, तो पी जो है क्यू की माँ है। आगे आपको दिया गया एंड, इसका मतलब दोस्तों आपका ए बी की बहन है, तो क्यू आर की बहन है, क्यू जो है दोस्तों आपको क्या दिया गया यहाँ पर आर की बहन है, तो ये इसकी बहन हो गई दोस्तों। आगे देखिए आपको ये हो गया आपका, फिर बनाया आपका डॉलर, इसका मतलब आपका ए बी की पुत्री है, आर एस की पुत्री है दोस्तों। अब आपको दिया गया यहाँ पर जो आर है वो एस की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री होगी दोस्तों यहाँ पर, तो आपको बताना यहाँ पर एस और पी में संबंध क्या होगा। तो दोस्तों ये अगर माँ है, ये इनका पिता हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये जो हो गया व्यक्ति, और ये दोनों आपस में बहने बने, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का होगा दोस्तों। तो सही जवाब होगा आपका एस पी का पति है, एस जो है दोस्तों आप लोग का ये पी का पति है, इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, एस इज द हस्बैंड ऑफ पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाएगा, तना पत्ता फूल जड़ कली, पोटी का एग्जाम्पल सबसे पहले होगा जड़, जड़ से बनेगी आपका तना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है आपको, देखिए सबसे पहले आ जाएगी आप लोग की जड़ आएगी, जड़ सबसे पहले होगी, सबसे छोटी जड़, जड़ से बनेगा आपका तना नंबर टू, फिर आपका आ जाएगा तने में निकलेंगे पत्तियां, पत्तियां बनेंगी, पत्तियों में दोस्तों कलियां खिलेंगी, उसको आप लोग का आगे बढ़ेगा कलियां निकलेंगी, और लास्ट में प्रोसीजर जो था फूल का होता है। ऐसे में जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 41253। चलिए इसके बाद देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने देखिए आपको दिया गया पर दी गई अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, मतलब देखिए आप लोग देख सकते हैं 41 क्वेश्चन में
आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए आपको दिया गया यहाँ पर 14 में देखिए आपको दिया गया 27, ठीक है ना। देखिए 14 में दोस्तों यहाँ पर 13 जोड़ा तो यहाँ पर मेरा आ गया 27, 4 3 7 27 दोस्तों कितना जोड़ा हमारा, देखिए 52 आ रहा है दोस्तों, 25 जोड़ दिया। 52 में कितना जोड़ा आपका, 101 आ रहा है आपका, 49 जोड़ दिया। और इसमें कितना जोड़ा आपका, 198 आ रहा है तो आपका 97 जोड़ दिया। अब देखिए इनके बीच का लॉजिक क्या लगा आपका, 13 12 25, 12 और 24 49, 49 और 48 97। अब 48 का क्या है, 12 24 48 ठीक है ना, 98 96। अब देखिए आपका यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर 96 आ जाएगा, तो यानी कि 97 में 96 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 193 आ जाएगा। तो 198 में 193 ऐड करिए दोस्तों, आपका आएगा 391। तो जिसका भी आंसर 391 आ रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 219 211 204 198। आपका देखिए पहले माइनस कार्ड का मोरा, देखिए इसमें क्या दिया गया आपका, देखिए माइनस कार्ड पहले कम हो रहा आपका इसमें से, फिर आपको दिया गया पर माइनस का 7, फिर देखेंगे आपको दिया गया माइनस का 6, अगले बार आपको क्या गया माइनस का 5 आएगा दोस्तों, 8 से 5 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा, फिर आपका दिया गया यहाँ पर माइनस का 4। तो यही लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको दिया गया यहाँ पर डी डी, ठीक है ना, ये आपको दिया गया एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद आपका लुप्त है तो कौन सा होगा, फिर दिया गया डी डी आर एफ टी जी। देखिए दोस्तों सबसे अच्छी तरीका इसको लगाने का यही है, आपको दिया गया डबल डी, यहाँ पर आ रहा डबल बी, यहाँ पर आ रहा डबल ई, यहाँ पर आ रहा डबल आर, अगली बार में आ गया दोस्तों आपका डब्लू, डबल बार डब्लू आएगा वो लास्ट में, और ये दिया गया आपका डी में। ओके तो बिल्कुल दोस्तों पहले बार देखिए डबल डी स्टार्टिंग में, फिर एक स्टेप खिसका, दो स्टेप खिसके, तीन बार आपका आ जाएगा, अगली बार में 4 स्टेप बाद आपका डब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्रेजी जायगोट टीपॉट अदर नेक्स्ट क्या आएगा। चलिए देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए अब इसको आपको ध्यान समझना, आपको दिया गया यहाँ पर क्रेजी जायगोट टीपॉट अदर, यहां से देख सकते हैं आप लोग दिया गया जेड और वाई, ये हो गया आपका जायगोट, जेड वाई से आपका शुरू हो गया जायगोट, ठीक है ना। फिर आपको दिया गया यहाँ पर देखिए टीई, टी से आपका अगला वाला आ गया टीपॉट, फिर आपको दिया गया यहाँ पर ओटी, ओटी से दोस्तों हमारा बन गया यहाँ पर अदर, अब आपको दिया गया पर ईआर, ईआर से दोस्तों आपका बन रहा है यहाँ पर एरेंड। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका, ये देखिए लास्ट के दो डिजिट से हमारा जो है, सॉरी लास्ट के दो करेक्टर से हमारा जो है पूरा वर्ड बनता है, तो इसका लास्ट का दो क्या करेक्टर आपका ईआर है, तो आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू अपॉन एस, यू अपॉन ओ, एस अपॉन के, क्यू अपॉन जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए आप लोग देख सकते हैं आपको दिया गया डब्ल्यू, दो स्टेप पीछे जाएंगे आप लोग का क्या आ जाएगा, देखिए सिंपल तरीका इसको समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक ही बार में। W से देखिए आप लोग U पर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर माइनस का दो, U से इस पर आ रहा है माइनस का दो, S से Q आ रहा है माइनस का दो आ रहा है, वही आपको देखिए नीचे क्या रखा आपका, S से माइनस का चार आ रहा है, माइनस का चार, माइनस का चार, तो अगले अंश आपका क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्यू के दो स्टेप पीछे आप लोग जाएंगे तो आपका ओ आ जाएगा। ओके और इधर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आपका इधर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर होगा आपका सी आ जाएगा। ओके ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, चलिए तो ओ अपॉन सी जिसका भी आ रहा है डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूटभाषा में ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तब फेस को क्या लिखेंगे, ए है 2, बी है आप लोग का 3, मतलब एक एक स्टेप जो आप लोग का आगे बढ़ा के लिखा जाता है, जैसे कि ए आपका 1 नंबर पे आता है तो लिख लिया 2 नंबर, बी आप लोग का दोस्तों 2 नंबर पे आता है उसको 3 लिख लिया, मतलब दोस्तों क्या एक स्थान को बढ़ाकर कोड किया जा रहा है, तो फेस का क्या हो जाएगा आप लोग कैसे 7 2, सी आपका हो जाएगा 4 6, तो 7246 आएगा, जिनका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा आप लोग ऐसे डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बेल्ट का प्रतीक है 8514, लेट का प्रतीक है 3165, तो टेबल का प्रतीक क्या होगा, आप सभी को दोस्तों यहाँ पर ये बताना है। तो फिलहाल दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 47 का जो आप लोग देखिए एग्जैक्ट आंसर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 3, देखिए 47 क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, बी, बी के लिए आपको दिया गया 8, तो देखिए टी देखिए टी का नंबर देखिए आपको क्या दे रखा है, आइए बताते हैं, देखिए ये है टी नंबर, ये दे रखा है 6 आ जाएगा, ये आपका ए है आपका 1 आ जाएगा, बी देखिए आपको देगा बी 8 आ जाएगा, फिर आपको देखिए एल दे रखा है यहाँ पर, ये आपका एल दे रखा है यहाँ पर, एल के नंबर 3 है,
61835। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। यदि मटेरियल का कोड होता है आपका जे, ठीक है ना, जे क्यू जे एक्स क्यू बी ओ एफ एक्स आई, तो जॉय का कोड क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपको देगा, जे भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है आपको, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आएगा? देखिए माइनस का तीन स्टेप पीछे जाना है, जे से तीन स्टेप पीछे आएंगे तो आपका आ जाएगा जी, ओ से तीन स्टेप पीछे आपका आएगा एल, और इसके वाई के तीन स्टेप पीछे आएगा आपका बी आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका जी एल बी, माइनस का तीन स्टेप पीछे आना है, सही जवाब होगा आपका बी आ जाएगा। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाना, देखिए समझाता हूं मैं आपको। देखिए आपको दिया गया यहां पर इफ 96 इनटू 537 56264 9135 क्या होगा बताइए। देखिए 9 और 6 इसको जोड़ लीजिए, 9 प्लस 6 ओके माइनस 5 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 8 बराबर दोस्तों आपका 7 आ जाएगा। भाई आपको इसमें करना है 9 और 1 आ जाएगा 10, 5 3 आ जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आप लोग का 2 बचेगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया गया 452524 आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले आप कह रहे थे 524, या देखिए 723 ओके 876 ठीक है ना, तो देखिए आप क्या था 459, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 459, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब आपको देखिए एक वेन डायग्राम दिया गया है, टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, इनके बीच का सही कौन सा होगा? देखिए दोस्तों जो भी यहाँ पर टेनिस प्रशंसक होते हैं वो आपके क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और यहाँ पर विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल बनेगा यहाँ पर जो कॉमन है आप लोग का वो सेफ बनेगा आपका ए वाला, तो जिनका भी यहाँ पर ए आ रहा बिल्कुल सही दोस्तों, ये आप लोग का ब्लॉक हो गया टेनिस खिलाड़ी के क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, ये हो गया टेनिस प्रशंसक के लिए और ये हो गया विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दिया गया, यदि माइनस का आशय मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब डिवीजन है, डिवीजन का मतलब आपको माइनस है, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए ये सभी लोग लगा लेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई करानी है आप सभी को और आंसर आपका कितना आ जाएगा मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा 52 का आप लोग का आ जाएगा 4 आएगा, जिसका भी आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल सही है। आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, आप देखिए आपके एग्जाम में कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कथन में आपको दिया गया शैंक हॉल को पेरिस से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन से दोनों शहरों के बीच वस्तुओं के परिवहन में लगने वाले समय में 50% की कटौती होगी, ये आपको दिया गया पेरिस का बचा हुआ समय, समय जो है भार वाहन उद्योग के लिए मूल्यवान होगा, शैंक हॉल और पेरिस के बीच व्यापार बढ़ेगा, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो कर दी है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया 53 दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट आपका बिल्कुल सही होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको दिया गया शैंक हॉल को पेरिस से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन से दोनों शहरों के बीच वस्तुओं के परिवहन में लगने वाले समय में 50% का कटौती होगी, तो बचा हुआ समय जो है भार वहन उद्योग के लिए मूल्यवान होगा, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं शैंक हॉल और पेरिस के बीच व्यापार बढ़ेगा, तो ये बात गलत है दोस्तों, व्यापार कैसे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर व्यापार की बात नहीं है, जो रुपए बचेंगे दोस्तों उस कटौती से जो बचाओगे आप लोग उससे व्यापार थोड़ी ना कर सकते हो, तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, बचा हुआ समय भार वाहन उद्योग के लिए मूल्यवान होगा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन बी आपको दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 53 में डी वाला दिया गया ऑनली फर्स्ट फॉलो। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको 54 दिया गया, देखिए कथन में आपको क्या दिया गया, क्या गांव के अधिकारियों को उनके गांव में पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए? हाँ, पानी की टंकी आवश्यक है क्योंकि यह गर्मियों में पानी प्रदान करेगी। नहीं, टंकी के पानी के बंटवारे को लेकर गांव वालों में सौहार्द भंग हो सकता है। फिलहाल दोस्तों यहां पर कौन सा वाला बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर है हाँ, पानी की टंकी आवश्यक है क्योंकि यह गर्मियों में पानी प्रदान करेगी, इसलिए बिल्कुल केवल आपका फर्स्ट आ जाएगा, जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है ओनली फर्स्ट। एक और आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, देखिए आप लोग देख सकते हैं कथन दिया गया, हमारे देश में क्रिकेट टीम को चुनने वाले योग्यता के बजाय क्षेत्रीय कारणों पर चुनते हैं, हमारे देश में क्रिकेट टीम को चुनने वाले योग्यता के बजाय क्षेत्रीय कारणों पर चुनते हैं, अतः अन्य देशों के मुकाबले टेस्ट सीरीज जीतना हमारे लिए कठिन होता है। निष्कर्ष है, हमारी क्रिकेट टीम को दूसरे देशों से जीतने की उम्मीद नहीं है, हमारी क्रिकेट टीम जो है दोस्तों सिर्फ योग्यता के आधार पर चुनी जानी चाहिए। हाँ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर केवल सेकंड वाला पॉइंट से निकलता है हमारी जो दोस्तों, देखिए आपको कहते हैं हमारी क्रिकेट टीम को योग्यता यानी गुणों के आधार पर चुनना चाहिए, तो इससे जीतने में आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने।
चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर साइंस से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए इस पेपर में। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति जो है ये किसका एक उदाहरण है? तो 71 का दोस्तों यहाँ से जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका ये आएगा, आपका ऑप्शन भी दिया गया है, प्रक्षेप्य गति। तो दोस्तों जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का बिल्कुल प्रक्षेप्य गति। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 72 क्वेश्चन दिया गया, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दिया गया आपको गतिशील पिंड के वेग और भार दोनों पर ही, गतिशील पिंड के वेग और भार दोनों पर ही निर्भर करती है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई, देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह एक सेकंड में एक चक्र पूरा करती है? एक सेकंड में अगर एक चक्र को पूरा करती है तो यहां पर आपका देखिए वेग कितना हो जाएगा आप लोग का, शून्य होगा। ओके यहां से आपका राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आप सभी के सामने बिना टाइम वेस्ट किए, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? 74 का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन डी दिया गया, शून्य होता है। तो पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में जो होगा आपका जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? अगर घूर्णन की गति बढ़ जाएगी दोस्तों तो शरीर का वजन घट जाएगा। 75 का ऐसे में राइट आंसर आपका आ जाएगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन का जो स्तर होगा दोस्तों क्या होगा? बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर घटता है? सही जवाब होगा आप लोग ऐसे, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर दोस्तों बर्तन में बर्फ रखी हुई है दोस्तों और वो अगर तैरती बर्फ पिघल जाती है तो बर्तन के लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट चेंज। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का, यहाँ से नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? चलिए दोस्तों एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे में आपका राइट आंसर होगा आपका अंडा जो तैरने लगता है। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का अंडा जो आप लोग का तैरता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आपको दिया गया क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो किससे रिलेटेड है? ये मेरे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। सही जवाब होगा आप लोग का अत्यंत नीचे तापमान पर, ठीक है ना। राइट आंसर होगा आपका वेरी लो टेम्परेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर मिले? देखिए आपका जो दर्पण दिया गया आपका ये अवतल दर्पण है और इसका आपको राइट आंसर बताना है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? 1/f बराबर आपका आएगा 1/v प्लस 1/u। देखिए कौन सा यहाँ पर आप लोग को मेथड अप्लाई करना है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1/f बराबर होता है आप लोग का 1/v प्लस का 1/u आएगा। f का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या रखा है 4.8 फोकस दूरी है, 1/4.8 बराबर प्रतिबिंब की दर्पण दूरी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया 1/12 दे रखा है, प्लस 1/u आपको निकाल लेना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर u का मान जो आपका आएगा ये आएगा 8 सेंटीमीटर। ओके u सॉल्व करने पर आपका 8 सेंटीमीटर राइट आंसर आएगा दोस्तों। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ से आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है? एग्जैक्ट आंसर होगा इटी का आप लोग का ऑप्शन बी दिया गया, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। राइट आंसर होगा आप लोग का अवरक्त किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या से कितना जोड़ना चाहिए? दोस्तों इसको जो किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में या फिर पैरेलल में? अगर विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ना चाहिए? 81 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका पैरेलल में। सही जवाब होगा दोस्तों आप लोग का पैरेलल में, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो आप लोग जुड़ा हुआ आप लोग का ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, किसको चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रभाव प्रति और लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 82 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन बी, एफ बराबर होता है आप लोग का आई बी एल साइन थीटा, तो बी बराबर आ जाएगा आपका एफ अपॉन आई एल। यहां पर आपका I धारा है, L आपकी लंबाई है और F है आप लोग का बल।
इसलिए राइट आंसर होगा आपका चुंबकीय प्रभादर यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर बी आर बिल्कुल सही, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं, कौन सी किरणें जो त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं, ये है आप लोग की यूवी रेज। इसके बाद देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्यूफर्ट स्केल पैमाने से क्या मापा जाता है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर इस पैमाने से आप लोग का क्या मापा जाता है। 84 का दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पर। सही जवाब होगा आपका सी है, हवा की गति। सही जवाब होगा आपका हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकरण के सभी प्रकारों का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। 85 का राइट आंसर होगा आप लोग ऐसे गीगर काउंटर, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका गीगर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुरूप दर्शन यानी कि कैलिडोस्कोप का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। 86 का राइट आंसर आएगा आप लोग ऐसे डेविस ब्रिस्टर, राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऐसे डेविस ब्रिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फिलहाल हम लोग सौर सेल पैनल। ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है दोस्तों यहाँ से आप लोग का देख सकते हैं आप लोग। देखिए सही जवाब होगा आपका सौर सेल पैनल। चलिए इसके बाद ये चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपको दिया गया है, किस एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है। दोस्तों कौन सी एक जो प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है, तो ये फिलहाल आपका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका अरोरा। ठीक है ना, अरोरा एक ध्रुवीय ज्योति आयनमंडल में विद्युत चुंबकीय घटना के प्रकाशमय प्रभाव है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर अरोरा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग यहाँ से अरोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको दिया गया है, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए आपके साइंस में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, ये देखे गए थे एग्जाम में लास्ट टाइम में। 90 का राइट आंसर आपका इन्फॉर्मेशन। देखिए डेटा का प्रोसेस एंड करेक्टर फॉर्म होती है आप लोग की इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेज से वर्ड को हटाते समय हटाते मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने के मेथड को क्या बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, राइट बैक, इसको बोलते हैं फिलहाल राइट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है। 92 का राइट आंसर होगा आप लोग का मल्टी प्रोसेसिंग, इसको बोलेंगे यहां पर मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, कंप्यूटर के ही कार्य जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। 93 का राइट आंसर होगा आपका कमांड लैंग्वेज, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है ये क्या कहलाता है आपका। 94 का राइट आंसर होगा आपका टोकन हो जाएगा, राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ से टोकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली यानी कि DBMS नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है, साइबेस, सैप हाना, MySQL या फिर कॉस्मोस। तो यहाँ से फिलहाल अगर 95 क्वेश्चन की बात करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का कॉस्मोस, ये फिलहाल डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऐसे में राइट आंसर क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है FE, ठीक है ना, तो आपका आयरन की न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिए आयरन में आपके 26 प्रोटॉन होते हैं आप लोग के, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को बतानी है यहाँ पर। तो बिल्कुल ये आपको देखिए दो आयन आपको देखें, दो पॉजिटिव, 26 हो गए प्रोटॉन, दो आप लोग माइनस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। तो जिनका भी ऐसा 24 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। कोशिकाओं के सुसाइड बैग किसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97, और ये कहलाता है आपका लाइसोसोम, सुसाइड बैग लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन जो हार्मोन है ये आप लोग का है एड्रेनलिन, इसका नाम है आप लोग का है एड्रेनलिन, जिसका भी आंसर यहां से सी आ रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, सभी को यहां पर यह बताना। 99 क्वेश्चन, 99 का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों यहां से आपका ये क्या आएगा, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है लाल और हरे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का कवक से। तो दोस्तों आपको क्या दिया गया है, कवक से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ पर
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहां पर किया था, ये कहां से किया था? तो 56 का दोस्तों राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का, झारखंड की राजधानी रांची में इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों। तो जिसका भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का झारखंड, ठीक है ना, झारखंड की राजधानी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस 2018 कब मनाया गया? आप लोग भी जानते हैं, 57 का राइट आंसर होगा आपका 5 अक्टूबर को। ओके, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक एक जन अभियान संचालित करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का मध्य प्रदेश। ओके, राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का मध्य प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको क्या दिया गया। हाल ही में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत किस जगह से की है? 59 का राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली से, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका नई दिल्ली से। चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्फ से ढकी सुपर अर्थ की खोज की गई, इस सुपर अर्थ का नाम जो बर्नार्ड रखा गया है, तो इस सुपर अर्थ की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चलिए इसको बताइए, तो इसकी जो दूरी है करीब 6 प्रकाश वर्ष है, 6 लाइट ईयर इसका राइट आंसर होगा आपका, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 6 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी एशियाई देश मालदीव में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? 61 का राइट आंसर आएगा आपका इब्राहिम मोहम्मद सालेह को, ठीक है ना, इब्राहिम मोहम्मद सालेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की गिरावट होने की संभावना है? 62 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग यहाँ से यह आएगा आपका 2.8%, ठीक है ना, जिसका भी आंसर 2.8% आ रहा बिल्कुल सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया? फिलहाल दोस्तों 64 का एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी है, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, सितंबर 2018 में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का, पुरुष खिलाड़ी का जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह आपका आ जाएगा हैरी केन को, हैरी केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? 66 का राइट आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड मेयो, इनका नाम है लॉर्ड मेयो जिनकी भारत में हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर निषेध, ये किससे रिलेटेड है? देखिए 67 की अगर हम बात करेंगे, आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 24 के मुताबिक यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स, जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही है। ओके चलिए फिलहाल आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या फिर उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? देखिए ये जो शक्ति है अपराध माफ करने की, जो भी है प्रेसिडेंट के पास है, राइट आंसर होगा आप लोग यहां से प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राग जो है किसकी राजधानी है? दोस्तों प्राग, अगर हम बात करेंगे प्राग, ये चेक गणराज्य की, दोस्तों राइट आंसर होगा आपका चेक गणराज्य की। बाकी आपको बताते हैं यहाँ पर उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग, ठीक है ना, प्योंगयांग। सऊदी अरब की है दोस्तों आप लोग रियाद, और आपको देखा त्रिनिदाद टोबैगो, ये पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, ठीक है ना, त्रिनिदाद और टोबैगो ये इसकी राजधानी आप लोग की, पोर्ट ऑफ स्पेन। चलिए अब देखते हैं फिलहाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, भौतिक मात्रा जो ऊष्मा क्षमता इसकी इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जैसे कि ऊष्मा क्षमता इसकी यूनिट क्या है? यूनिट आप लोग को फाइंड आउट करनी है, 70 का एग्जैक्ट आंसर आपको क्या होगा, हीट कैपेसिटी यूनिट आप लोग को बताना है, यानी तो आपका क्षमता, तो यहां से आपका आ जाएगा जूल प्रति केल्विन। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगर उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, देखिए जो ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।